हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। अगले क्वेश्चन मेंसुरेशन का अगला पार्ट होता है। द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 121 मीटर स्क्वायर एंड 64 मीटर स्क्वायर इफ द मीडियन ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल ऑफ 12.1 मीटर देन द मीडियन ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल। चलिए इसको बताते हैं। M1 पहले इसको M1 मान लीजिए, M2 बाय रूट A1 बाय A2, ठीक है। M1 कितना था? 12.1 M2 ने दिया हुआ है और A1 दिया हुआ आपका 121 का स्क्वायर बाय नहीं स्क्वायर नहीं होगा रूट में 64, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, 12.1 बाय M2, इसको रूट से हटाइएगा तो 11 का हो जाएगा, इसको हटाइएगा तो 8 हो जाएगा। M2 का वैल्यू आ जाएगा 8.8 मीटर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करा इन आर राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनस इज 4 सेंटीमीटर मोर देन परपेंडिकुलर विच इज 4 सेंटीमीटर मोर देन अ बेस फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। इसका परपेंडिकुलर का उसको वैल्यू पुट का बताना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। इधर x प्लस 4 हो जाएगा, x हो जाएगा x प्लस 4 प्लस 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको बेस मान लिए, बेस मान जिसको x मान लिया है, ठीक है। परपेंडिकुलर इक्वल टू x प्लस 4 हाइपोटेनस इक्वल टू x प्लस 8 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। एक मिनट, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एक्स प्लस 8 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसको तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 16 माइनस 24 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू माइनस 48। एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 48, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 12 फिर प्लस 4 फिर एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 12, ये तो जब माइनस में है तो ये तो इनवैलिड हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं इनवैलिड, ठीक है। फिर इसको तोड़ेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद तो ये आपका ये हो गया, तो उसके क्या कीजिएगा, इसको परपेंडिकुलर जो आया हुआ है यहाँ, ये परपेंडिकुलर यहाँ लिख देते हैं, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 4। तो क्या कीजिएगा, एक्स प्लस 4 है तो एक्स की जगह पर 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड आर 11 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर।
करा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए क्या होगा। तो मान लीजिए ए इज इक्वल टू 11, बी इज इक्वल टू 7, सी इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो एक फॉर्मूला लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, 11 प्लस 7 प्लस 14 बाई टू इज इक्वल टू 10, 10 20, 20 27 4 32, 32 बाई दो हो जाएगा 16, ठीक है। फिर इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, 16 माइनस 11, 16 माइनस 7, 16 माइनस 14। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 16 5 इंटू 9 इंटू 2, इसको सॉल्व किया 12 रूट 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन आ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनस इज 2 सेंटीमीटर आर मोर देन द परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर इज 2 सेंटीमीटर मोर देन बेस, फाइंड द लेंथ ऑफ बेस। कह रहा है फाइंड कीजिए लेंथ ऑफ बेस का, ठीक है। तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 2 और ये एक्स, बी सी और ए, ठीक है। पीछे डिनोट करते हैं एक्स प्लस 2 परपेंडिकुलर को, हाइपोटेनस को एच से डिनोट करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 4, ठीक है। और उसका पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, एच स्क्वायर प्लस बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हाँ, एक्स प्लस 4 का स्क्वायर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8 एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस नहीं नहीं 4 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 12 इजकल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 12 इजकल टू 0, एक्स एक्स माइनस 6 प्लस 2 एक्स माइनस 6 इजकल टू 0। एक्स प्लस 2 तो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 6, ठीक है। तो एक्स इजकल टू 6, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनस इज 2 सेंटीमीटर मोर देन परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर 2 सेंटीमीटर देन बेस, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। इसी तरह पीछे भी क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन भी सेम था डिट्टो। चलिए फिर बना देते हैं उस पर, क्या दिक्कत है, ऐसा आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। क्या कीजिए, पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 2 और एक्स सी बी ए, ठीक है। यहाँ बी लिखा है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर दिया हुआ है एक्स प्लस 2 और हाइपोटेनस दिया हुआ है एक्स प्लस 4, ठीक है। इसका क्या कीजिए, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8 एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 12 इजिकल टू 0 हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 12 इजिकल टू 0, फिर उसका क्या कीजिए, यहाँ पे एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 6
प्लस टू और एक्स माइनस सिक्स, फिर ये तो दो गया तो एक्स माइनस सिक्स इजकल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू सिक्स, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ इनर रेडियस एंड द सर्कम ऑफ रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विच द एरिया ऑफ 16√3 स्क्वायर यूनिट। चलिए इसको कैसे करना बताते हैं। क्या कीजिए, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये क्या होता है, √3/4a² √3/4a² इज इक्वल टू 16√3, ठीक है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16√3 इंटू 4√3, हाँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64, ए इज इक्वल टू 8, ये हो गया ए का वैल्यू। अब चला रेडियस, यहाँ लिख दीजिए रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कुलर इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, तो हो जाएगा ए बाई 2√3, ए का वैल्यू आया 8/2√3, 2 से ये कट जाएगा तो आ जाएगा 4√3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको नहीं भी काटिएगा तो ठीक है, ठीक है ना, एक मिनट देख लेते हैं इसको आगे। फिर उसके बाद रेडियस ऑफ सर्कम ऑफ सर्कल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसको ए बाय √3, ए इज इक्वल टू 8/√3। अब इसको इसको कीजिएगा तो √3 नहीं, इसको कर इसके रहने दीजिए इसी तरह। इसके बाद यहाँ पर कर दीजिए, यहाँ पर लीजिए इंटेंडेंट रेशियो, ठीक है, √3/4 कीजिएगा फिर तो ये दोनों सेम ही है, तो इसको क्या कीजिए 8/2√3, तो यहाँ पे 2 कर दीजिए ऊपर में 8 कर दीजिए, ठीक है, बाई 8√3 इज इक्वल टू, ये 8 से 8 कट जाएगा, ये √3 से ये रूट कट जाएगा, तो 1/2 ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 3 ट्रायंगल आर मार्क्ड आउट द लार्ज ट्रायंगल एट द 3 वर्टेक्स एंड सच डैट ईच साइड, हर एक साइड का बताना है, तो क्या कीजिए पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए, फिर यहाँ से इसको कट कर दीजिए, यहाँ से कट कर दीजिए, यहाँ से कट कर दीजिए, जी हो जाएगा, इसको जी मान लेते हैं, इसको एफ मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, बी सी जे आई एच जी, ठीक है, इसको मान लीजिए 2x हो गया, 2x, ये हो गया आपका। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, यानी कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइन दे देते, ठीक है, ट्रायंगल हो जाएगा √3/4 इंटू 8x², ठीक है, देखिए तीनों साइड का आता है, इसको इंटू कर देंगे तो 8x² हो जाएगा ट्रायंगल का, और फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो √3/4 इंटू 64 का x², इसको सॉल्व कीजिएगा तो 16√3x². और उसका क्या कह रहा है, उसका निकालना क्या है, एरिया ऑफ 3 स्मॉलर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, छोटा छोटा को निकालते हैं, एरिया ऑफ स्मॉल इक्विलेटरल
इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो 3 √3/4 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3√3x2। चार तो चार से चार कट जाएगा, ये हो जाएगा सीधा। अब उसका उसका कह रहा है एरिया ऑफ रिमाइंडर इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ लिख दीजिए एरिया ऑफ रिमाइंडर इक्विलेटरल ट्रायंगल। पीछे वाला आया 16√3x2 आया है, माइनस इससे कर दीजिए, ये आपका वो निकल जाएगा 13√ रिमाइंडर जो बचा हुआ है वो आपका निकल जाएगा। अब उसका रेशियो करने के लिए यहाँ लिख दीजिए रेशियो 3√3x2 3√13, ये 3 कट जाएगा, ये दोनों बच जाएगा, ये आपका आंसर हो गया।